हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है T.A.G टेली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर बहुत ही आसानी के साथ टेली में कार्य करना सिखाया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ अकाउंट और GST से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। यदि आप टेली में बहुत ही आसानी के साथ सरलता के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप जब भी अपने वीडियो या मोबाइल पर सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ईगल टाइप लोगो दिखने लगेगा मेरे चैनल का। उस पर क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और टेली में मेरा विश्वास है आप बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, टेली में बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज कौन सा विषय हम सीखने जा रहे हैं। तो आज हम टेली के अंतर्गत ये सीखेंगे कि हमने जितने भी स्टॉक आइटम्स बनाए हैं और उन स्टॉक आइटम को जितनी भी मात्रा में हमने खरीदा है, जितनी भी मात्रा में हमने बेचा है और उसकी जो वैल्यू है और क्लोजिंग बैलेंस है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम इन सबको टेली में देखेंगे और कहाँ पर देखेंगे। हमने जितने भी स्टॉक आइटम बनाए हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं। स्टॉक आइटम जब हम बनाते हैं तो एंट्री करते हैं, जो भी हम परचेज करते हैं, जो भी हम सेल करते हैं उसी स्टॉक आइटम के अंतर्गत हम उसकी एंट्री भी करते हैं। तो जितना भी हमने इनवर्ड किया है उस स्टॉक आइटम को, यानी परचेज की है, और जितना भी हमने आउटवर्ड किया है, यानी जितनी भी सेल की है, जिस भी क्वांटिटी में हमने परचेज की है, जितनी भी क्वांटिटी में हमने सेल की है, और जो हमने परचेज की उसकी वैल्यू क्या है, और जो हमने बेचा है माल को उसकी वैल्यू क्या है, और क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक आइटम्स का क्या है, उसको हम किस तरह से देखेंगे टेली में, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारी कंपनी है रमन ट्रेडर्स, उसको हमने इस तरह से ओपन करके रखा है। और यहाँ पर जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं उन सारे स्टॉक आइटम्स में हमने जो भी खरीदा है उस स्टॉक आइटम को, या जितना भी बेचा है और उसकी वैल्यू क्या थी खरीदते समय और बेचते समय उसकी वैल्यू क्या थी, और क्लोजिंग हमारे पास आज के समय में कितना स्टॉक है उस स्टॉक आइटम का, ये हम आज जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने आपको बताया है कि हमने जितने भी लेजर्स बनाए हैं और उन लेजर्स के अंतर्गत जो भी हमने लेन देन किया है उसको हम कहाँ और कैसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने स्टॉक आइटम्स में जो भी हमने इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई की है उसको देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू हमारे सामने इस तरह से खुला हुआ है, यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले में, फिर इसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स में, और फिर हम जाएंगे स्टॉक आइटम में। यानी शॉर्टकट की गेटवे ऑफ टेली से हम DIS यानी दिस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स हमारे सामने है और इसमें जितने भी स्टॉक आइटम्स हमने क्रिएट की हैं वो सारे स्टॉक आइटम इस लिस्ट में दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें किसी एक स्टॉक आइटम के बारे में ये जानकारी लेनी है कि हमने उस स्टॉक आइटम को कितनी मात्रा में खरीदा, किस रेट में खरीदा, कितनी मात्रा में बेचा, किस रेट में बेचा, और आज हमारे पास वो स्टॉक आइटम कितना है स्टॉक में। तो देखते हैं कैसे देखेंगे। तो इसके लिए जिस भी स्टॉक आइटम को आपको देखना है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स है इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा बादाम स्टॉक आइटम है और हमें इसके बारे में सारी जानकारी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, बादाम को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम मंथली समरी इस तरह हमारे सामने खुलकर आ गई, और यहाँ पर आप देखेंगे साइड में तो यहाँ पर चालू फाइनेंशियल ईयर में जो 12 मंथ होते हैं अप्रैल से लेकर अगले वर्ष के मार्च तक, वो सारे के सारे मंथ यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है बादाम, और इसके नीचे देखेंगे तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में बादाम स्टॉक आइटम की जो इनवर्ड आउटवर्ड स्थिति है और क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब ये है जितना हमने परचेस किया, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी और वैल्यू, यानी कितनी क्वांटिटी में हमने खरीदा वो यहाँ पर देखेगा, और वैल्यू के कॉलम में हम देखेंगे तो जिस वैल्यू में हमने खरीदा था परचेस किया था वो यहाँ पर इस तरह से टोटल वैल्यू दिखेगी। इसके बाद इसके बगल में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा आउटवर्ड्स, और इसमें भी दो कॉलम है, क्वांटिटी और वैल्यू, यानी जो हमने माल बेचा, आउटवर्ड का मतलब क्या है, हमारी कंपनी से बाहर गया यानी हमने बेचा, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर शो होगी क्वांटिटी वाले कॉलम में, और जिस वैल्यू में हमने बेचा था उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर इस तरह से शो होगी। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस एक कॉलम है, और क्लोजिंग बैलेंस में भी
क्वांटिटी ऑफ वैल्यू, दो उप कॉलम है। यहाँ पर क्वांटिटी में क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, यानी आज की स्थिति में हमारे पास बादाम जो स्टॉक आइटम है वो कितनी मात्रा में है, और जो हमने खरीदा था उसको जिस रेट में खरीदा था उस रेट के हिसाब से वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर बादाम जो स्टॉक आइटम है उसकी पूरी समरी आपके सामने है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से देखेंगे, तो आइए वो भी बताते हैं हम आपको कि आप किस तरह से देखेंगे। अब बादाम जो स्टॉक आइटम है, जुलाई मंथ में हमने सबसे पहली परचेज की, इनवर्ड हमारी कंपनी में हुआ बादाम स्टॉक आइटम। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी के कॉलम में देखेंगे तो आपको 100 शो हो रहा है, 100 केजीज, और वैल्यू में देखेंगे तो 10,000 यहाँ पर शो हो रहा है। यानी 100 किलो बादाम जो हमने खरीदा था 100 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा था, और उसकी वैल्यू कितनी थी 10,000 रुपये। अब यहाँ पर आउटवर्ड में हम जाएंगे तो जुलाई मंथ में भी हमने जो आउटवर्ड की यानी सेल की बादाम जो हमारा स्टॉक आइटम था उसको हमने 50 की क्वांटिटी में यानी 50 केजीज हमने उसको बेचा, और किस हिसाब से बेचा था हमने 120 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा था। यहाँ पर उसकी टोटल वैल्यू दिख रही है, यानी 6,000 रुपीज़ में हमने ये 50 केजीज बादाम सेल की थी। इसको इस तरह से देखेंगे, और यहाँ पर जब क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है और वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आपको वो दिखेगा जितना स्टॉक हमारे पास बचा है, यानी इनवर्ड माइनस आउटवर्ड इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी से क्वांटिटी को मैच करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जुलाई के महीने में हमने 100 केजीज खरीदा बादाम और 50 केजीज हमने बेच दिया। अब हमारे पास स्टॉक में कितना बचा 50 केजीज, वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा जो हमने खरीदी थी 100 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी 10,000 रुपये इसकी वैल्यू थी, टोटल वैल्यू थी, और उसमें क्या हुआ हमने 5,000 रुपये का माल बेच दिया, यानी जो 120 रुपये पर केजीज बेचा वो यहाँ पर देखेगा। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में आपको 50 केजीज बचा, यानी 100 केजीज हमने बादाम खरीदा, 50 केजी हमने बेच दिया, इसके बाद 50 केजी यहाँ बचा। और किस रेट में हमने खरीदा था, तो क्या था 10,000 रुपये का हमने 100 केजीज खरीदा था, और यहाँ पर 50 केजीज है हमारे पास, 5,000 रुपये इसकी वैल्यू है। यहाँ पर वो वैल्यू दिखेगी जो हमने खरीदी है, और बीच में हम देखेंगे तो आउटवर्ड में दिखेगा आउटवर्ड के बारे में जानकारी। इसके बाद अब हम अगस्त मंथ में चलते हैं। अगस्त मंथ को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगस्त मंथ की समरी आपको दिखाई देगी बादाम स्टॉक आइटम की। यहाँ पर इनवर्ड में देखेंगे तो अगस्त के मंथ में हमने 200 किलोग्राम जो बादाम था उसकी खरीदी फिर से की, और उसकी वैल्यू थी 20,000 रुपये। इसके बाद फिर हमने क्या किया, अगस्त जो मंथ था अगस्त मंथ में हमने 80 केजीज यानी 80 किलोग्राम हमने बादाम बेच दिया, और किस रेट में बेचा 120 रुपये पर केजी हमने बेचा था, तो ये उसकी वैल्यू दिख रही है टोटल 9,600 रुपीज़। और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस, अब ये दोनों को मिलाकर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर देखेगा, यानी जुलाई के मंथ में हमारा क्लोजिंग बैलेंस 50 क्वांटिटी में था। इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 170 केजीज क्वांटिटी। वो कैसे दिख रही आइए जानते हैं कि 100 किलोग्राम जो जुलाई के महीने में हमने बादाम खरीदा और 200 किलोग्राम हमने खरीदा अगस्त के मंथ में, तो इस तरह से 300 किलोग्राम बादाम हमने खरीदा जुलाई और अगस्त के मंथ में। इसके बाद इसमें से 50 और 80 130 किलोग्राम हमने बेच दिया अगस्त मंथ तक। अब 300 में से जब हम 130 किलोग्राम घटा देंगे तो 300 किलोग्राम में से जब 130 किलोग्राम हमने माइनस किया तो 170 किलोग्राम यहाँ इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस आ गया, वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। और 170 किलोग्राम जो हमारा क्वांटिटी है क्लोजिंग बैलेंस की, उसकी वैल्यू हो गई 17,000 यानी 17,000 रुपये, वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेप्टेम्बर मंथ में। सेप्टेम्बर मंथ में फिर हमने खरीदारी की बादाम जो स्टॉक आइटम था उसको 300 किलोग्राम की मात्रा में हमने खरीदा, जिसकी वैल्यू थी 30,000 रुपये, और 180 किलोग्राम हमने यहाँ पर बेच दिया। अब टोटल यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 300 और 2 500 और 600 इनवर्ड में देखेंगे तो इनवर्ड क्वांटिटी में 600 किलोग्राम बादाम हमने खरीदा, आउटवर्ड में देखेंगे तो 18 और 8 26 और 5 31 यानी 310 किलोग्राम हमने बेच दिया। 600 किलोग्राम बादाम हमने खरीदा इनवर्ड हुआ, और उसमें से 310 किलोग्राम हमने बेच दिया यानी आउटवर्ड में गया। अब हमारे पास 600 में से यदि हम 310 को माइनस कर देंगे तो 290 किलोग्राम बादाम हमारे पास बचा, जो हमारा इस समय क्लोजिंग बैलेंस बादाम स्टॉक आइटम का है, और वैल्यू 29,000 रुपये यानी 29,000 रुपये, वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रही है। नीचे हम आ जाएंगे, और जानकारी लेनी है, टोटल जानकारी लेनी है तो नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रांड टोटल आपको शो हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो इनवर्ड टोटल कितना हुआ है, 600 किलोग्राम बादाम इनवर्ड हुआ है, यानी हमने परचेज की 600 किलोग्राम बादाम की, और वैल्यू कितनी थी इसकी 60,000 रुपये वैल्यू थी।
इसके बाद आउटवर्ड में देखेंगे तो आउटवर्ड में यहां पर टोटल आउटवर्ड शो हो रहा है, यानी 310 किलोग्राम हमने बादाम बेचा जिसकी कीमत थी 37,200 रुपये, यानी जो बेचा हमने वो 37,200 रुपये में बेचा। इसके बाद यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर 600 किलोग्राम हमने खरीदा, इनवर्ड हुआ, 310 किलोग्राम हमने बेचा, आउटवर्ड हुआ, और इस 600 किलोग्राम में से 310 किलोग्राम को जब हम माइनस कर देंगे तो 290 किलोग्राम अभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, यानी स्टॉक में अभी 290 किलोग्राम बादाम है, और जिसकी खरीद के हिसाब से कीमत देखेंगे तो वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 29,000 रुपये यानी 29,000 यहाँ पर इस तरह से सो रहे। ग्राफ में भी नीचे दिया गया है, आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये जो है ना लाल जो आपको मार्क दिख रहा है या बिल्डिंग दिख रही है वो इस बात का परिचायक है कि हमने माल खरीदा, और नीला मार्क जो आपको दिख रहा है, नीली बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वो इस बात का परिचायक है कि इतना हमने बेचा। तो जुलाई के महीने में हमने ज़्यादा खरीदा कम बेचा, अगस्त में भी हमने ज़्यादा खरीदा कम बेचा, और सेप्टेम्बर में भी हमने ज़्यादा खरीदा कम बेचा, और इस तरह से मंथ वाइज भी यहाँ पर ग्राफ के द्वारा भी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से क्या करेंगे, जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं उन स्टॉक आइटम्स को हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो उस स्टॉक आइटम की सारी जानकारी यहाँ पर लग जाएगी, यानी कितना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल किया, और आज के समय में हमारे पास कितना स्टॉक आइटम बचा हुआ है, शेष है। तो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक आइटम की जानकारी लेते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। आपको शॉर्टकट की बताई थी DIS आप प्रेस करेंगे, यहाँ आ जाएंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में, यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम हमें देखना है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर उसके संबंध में हम सारी जानकारी ले लेंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो भी स्टॉक आइटम है, जितने भी स्टॉक आइटम्स हम बनाते हैं और उन स्टॉक आइटम्स की जो भी हम परचेज करते हैं, जो भी सेल करते हैं वो कहां पर देखेंगे, और इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस उसको हम कहां पर देखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस के साथ ही साथ हम वैल्यू भी यहां पर देख लेंगे कि जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से विषय को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए हम आपको टेलीक सॉफ्टवेयर में कार्य करना सिखा रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करते हैं जिससे कि आप मेरे चैनल से सीधे जुड़ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।